पर आप लोग को तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पक मार्ग दोस्तों मानसून ऑलमोस्ट खत्म हो गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क में तो धीरे धीरे जो जोन्स जो 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 आपके मानसून में क्लोज कर दिए गए थे वो भी आप रीओपन होने लग गए हैं जैसे फिफ्टी ऑफ अक्टूबर से आपका बिजरानी जोन भी ओपन हो जाएगा जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे सेकंड मोस्ट सबसे फेवरेट जोन है उसके रिलेटेड अभी मैंने एक वीडियो डाली थी ऊपर आई बटन में उसका लिंक शेयर कर देता हूं आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आप लोग बिजरानी पर्टिकुलर बिजरानी जोन के अंदर अगर आप को सफारी करानी है कुछ जोन ऑलरेडी ओपन थे उसके जो पूरे साल ओपन रहते हैं जैसे झरना ढेला और आपका घरजिया पूरे साल खुले रहते हैं अब आपका कुछ जोन जो है वो फिफ्टीन ऑफ नवंबर के बाद से स्टार्ट हो जाएगा जिसके बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगा और कल से सिक्स ऑफ अक्टूबर से आपकी नाइट स्टे के लिए भी बुकिंग होगी तो नाइट स्टे दोस्तों बहुत जल्दी रिफिल मतलब बहुत जल्दी परमिट उसके ऑक्यूपाइड कर लिए जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी एजेंसीज हैं जो लगी हुई हैं और इंडिविजुअल लोग भी उसकी बुकिंग अपने से खुद करा रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी उसकी जो अवेलेबिलिटीज़ है वो खत्म होती जा रही है तो मैं आप लोगों को एक प्रोसेस बता देता हूँ कि किस थ्रू आप लोग खुद जाके आप लोग बुकिंग करा सकते हैं अगर नाइट स्टे के अंदर आप लोग को रुकना है और आप लोगों को बता दूँ तो नाइट स्टे के अंदर जितने भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बने हुए हैं अलग अलग जोन्स के अंदर उसमें से सबसे फेवरेट आपका ढिकाला जोन के अंदर जितने भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बने हुए सारे अच्छे हैं उसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा अगर आप लोग पर्टिकुलर ढिकाला जोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप लोग जाके उस वीडियो के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि उसके कितने कितने सारे ऑप्शन है डॉमेट्री का भी ऑप्शन है वो सारी चीजें उसके अलावा जैसे बिजरानी जोन है उसके अंदर भी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है तो आप प्रीवियस वाली वीडियो वो भी आप देख सकते हैं ऐसे ही पूरे कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर कितने आपके फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बने हुए हैं अलग अलग जोन में वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई वी है तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट में ये बताने जा रहा हूँ कि नई बुकिंग जो स्टार्ट हो गई है फ्रेश उसमें क्या क्या चीजें चेंजेस आई है और आप लोग उसका बुकिंग का प्रोसीजर क्या है तो दोस्तों आज ही आप लोग इसको अगर आप लोग नाइट स्टे करना चाहते हैं और एज सुन एज पॉसिबल आप लोग वेबसाइट के थ्रू अगर आप लोग खुद कराना चाहते हैं तो बहुत इजी प्रोसेस है मैं अभी आप लोगों को लेकर चलूंगा स्क्रीन पर और आप लोगों को धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कैसे आप लोग खुद से नाइट स्टे की परमिट बुक करा सकते हैं उनके चार्जेस वगैरह क्या हैं फॉरनर्स और इंडियंस के लिए चार्जेस अलग हैं उसके अलावा क्या क्या आईडीज लगती हैं परमिट का प्रोसीजर क्या है आपको ऑनलाइन अभी कितना पे करना है फिर आप लोग वहां वहाँ पर कितना पे करना है आप लोग खुद बुकिंग करा सकते हैं और नाइट स्टे के लिए बहुत जल्दी आपका बिजरानी और आपका ये डिकाला जोन बहुत जल्दी ऑक्यूपाई हो जाता है तो आप लोग अगर आप जाना का प्लान कर रहे हैं तो आप एक बार प्रोसेस खुद से ट्राई कर सकते हैं और आप लोगों की बुकिंग हो जाती है तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी लेकर चलूंगा स्क्रीन पर और वो सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके बताऊँगा तो दोस्तों पहले वाला डोमेन आपका चेंज हो गया है वेबसाइट का अब आप लोगों के लिए नया डोमेन है गवर्नमेंट वेबसाइट का कॉर्बिट जी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा आप क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाओगे ये इसका फ्रंट पेज है आप ऊपर देखो कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें कि अगर आप लोग नाइट कोई भी सफारी बुक कराना चाहते हो नाइट स्टे का या कैंटर या तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं या आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नीचे भी ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा जीप सफारी कैंटर सफारी नाइट स्टे और अट्रैक्शंस ये सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके फिर से मैं सबके लिंक शेयर कर दूँगा आप जाके देख सकते हैं आज मैं बात करने जा रहा हूँ नाइट स्टे के बारे में तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया नाइट स्टे के अंदर क्लिक किया तो आप लोग बाहर के हैं मतलब फॉरनर्स हैं या इंडियन हैं तो ये दोनों इन्होंने कैटेगरी अब थोड़ा नया कर दिया है तो जैसे इंडियन है तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया यहाँ पे ये यह बता रहा है कि जो भी आप आई यूज़ करें वो प्रॉपर डालें उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वहाँ परमिट चेकिंग के दौरान आप लोगों में कुछ नाम या किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी रॉन्ग चीज़ें एंटर्ड अगर आप लोग को पाई जाती है तो टिकट आप लोग की कैंसिल कर दी जाएगी आप लोगों को पैसे भी नहीं मिलेंगे और आपका पूरा ट्रिप ख़राब हो जाएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो प्रॉपर आप लोग अपनी आईडी वगैरह यूज़ करें और जब आप लोग परमिट चेक कराने जाएँ तो वही आई लेकर जाएँ राइट आप इसको ओके करके अंदर आ जाइए तो देखिए इसमें फोर्टी डेज़ पहले आपकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है तो कल सिक्स ऑफ अक्टूबर था ऑफ अक्टूबर मतलब संडे को सुबह दस बजे से परमिट आपकी बुकिंग स्टार्ट हो गई नाइट स्टे के लिए आज है सेवन्थ ऑफ अक्टूबर तो अब ये अगले संडे दस बजे से फ्रेश ओपन होएगा आज ये पहला अभी हुआ है तो कल से और आज आए सेवन्थ अक्टूबर तो कुछ तो बुकिंग ऑलरेडी हो गई होगी तो आप लोग आज ही बुक करा के आप लोग 15 नवंबर की बुकिंग पा सकते हैं 15 से 20 नवंबर तक की बुकिंग स्टार्ट हो गई नाइट स्टे के लिए तो जैसे मैंने फिफ्टी ऑफ नवंबर ही चुनता हूँ और सिक्सटीन का मैंने चेकआउट कर लिया है आप लोगों को दो दिन का रुकना है तो आप इसमें नेक्स्ट डेट डाल दीजिएगा मैंने एक दिन का डाला डोरमेट्री में आपका सिंगल बंदों के लिए भी रुकने का एक ऑप्शन होता है जिसमें सिंगल बेड होता है और दो बेड और तीन बेड इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं अगर आप लोग डॉमेट्री भी चाहते हैं तो आप पहले भी क्लिक रहने दीजिएगा नहीं तो आपको दो बेड चाहिए या तीन चाहिए तो वो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो मैंने डोरमेट्री में क्लिक कर दिया नंबर ऑफ एडल्ट्स आप एक जा रहे हैं या दो तो एक रूम में अगर आपका डबल बेड लगा हुआ है तो दो लोगों की कैपेसिटी होती है तो मैं अभी दो रूप क्लिक करता हूँ चिल्ड्रेन आप बारह साल से छोटा बच्चा ले जा सकते हैं दो लोगों का ऑप्शन है इसमें उसके अलावा यहाँ पे बोला है कितने पैसेंजर्स मतलब पैक्स मतलब हो गया कितने पैसेंजर जा रहे हैं और टाइप क्या है तो इंडियंस हैं तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया दूसरा भी इंडियन हो गया और मैंने यहाँ पे आप यहाँ पे फाइंड पे क्लिक कीजिएगा फाइंड पे क्लिक करोगे तो पंद्रह अक्टूबर में देखिए कौन कौन से आपके फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ओपन हैं मतलब जिनकी अभी आपको आ, सीट्स बची हुई हैं रूम्स की तो वही केवल यहाँ पे शो करेगा सारे शो नहीं करेगा जो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे उनकी डिटेल यहाँ पे नहीं शो करेगा तो 15 नवंबर को आपको देखिए दिखा रहा है रथुआ धा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ये दोस्तों ये सोना नदी के अंदर का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जिसके एंट्री का गेट का नाम है वतनवासा और कालागढ़ ये कोटद्वार के नज़दीक पड़ता है तो ये जो डिटेलिंग है ये जरूर ध्यान से पड़ेगा और इसमें देखिए और भी चीज़ें मेन दी हुई कि देखिए ब्रिंग योर ओन फूड का मतलब है कि इसमें कैंटीन फैसिलिटी नहीं है रॉ मटेरियल आपको लेके जाना पड़ेगा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वाले वहाँ पर आपका खाना बना के आपको खिला देंगे लेकिन रॉ मटेरियल आपको लेके जाना पड़ेगा तो ये ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि वहाँ कैंटीन फैसिलिटी नहीं है तो इसलिए खाना आप लोग अपने साथ रॉ मटेरियल लेके जाइएगा खाना वो लोग बना देंगे ठीक है तो ये डिटेलिंग दी हुई है इसमें दिया रूम टाइप एक है रूम की कैपेसिटी दो बंदे रुक सकते हैं रूम टाइप क्या है उसमें डबल बेड लगा हुआ है तो मतलब कपिल आप जा सकता है नियर बाय सिटी आपकी कोटद्वार है जोन का नाम है सोना नदी गेट का नाम है वतनबासा और कालागढ़ ये दो गेट से आपकी एंट्री होती है फूड्स और चेक इन चेकआउट डेट आपका इतना चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा अभी फाइव टू नाइन ज़ीरो ठीक है इसका फिर बुक नाउस जाके आप इतनी परमिट पे कर दीजिएगा बाकी आपका जो जिप्सी कॉस्ट है और आपकी जो गाइड कॉस्ट है वो कितनी है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दो तो ये केवल आपके फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की रुकने की कॉस्ट है ये इसमें फूड वगैरह इंक्लूडेड नहीं है ये केवल आपके नाइट स्टे का परमिट कॉस्ट है ये दो लोगों का ठीक है ऐसे ही आपका मुदिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस दोस्तों ये बिजना ये उसके बाद आता है आपका मुदिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ये भी सोना नदी के अंदर ही आपका ये है और फॉट रेस्ट हाउस एक आपका रथुआ धाप एक आपका मुदिया पानी ठीक है इसके अंदर भी ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं सेम ही डिटेल्स है सेम चार्जेस हैं बस लोकेशन अलग अलग होगी और इसके अंदर में थोड़ी फैसिलिटीज़ और एरिया का बस डिफरेंस होगा बाकी है सब एक ही जोन के अंदर ये दोनों फिर ऐसे आपका पखराव है ये भी आपका कोटद्वार के नज़दीक पड़ता है इसके अंदर भी एक रूम है दो लोग आप उसमें रुक सकते हैं डबल बेड लगा हुआ है कोटद्वार के नजदीक है इसमें भी खाना आपको ले जाना पड़ेगा सेम चार्जेस है वैसे ही हम नीचे आते हैं तो जैसे ये तो पखराव का मेन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस गया ऐसे ही आपका पखराव का एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का नाम है मोर घटी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इसके अंदर भी आप देखो एक रूम है दो पर्सनस के लिए डबल बेड लगा हुआ है और ये इसमें भी आपको खाना खुद से ले जाना पड़ेगा तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपकी फिफ्टी ऑफ नवंबर में केवल इतने ही चार ऑप्शन खुले हुए हैं ठीक है तो अगर आप लोग इनमें कहीं रुकना है तो लेकिन ये उतने अच्छे नहीं हैं आप मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप आगे का ट्राई करते हैं मान लो सिक्सटी को चेक करते हैं सिक्सटीथ को कौन कौन से आपके परमिट्स खाली हैं तो जैसे मैंने सिक्सटीथ को क्लिक किया तो ये भी सोता, सोना नदी के अंदर हल्दुपराव करके भी आपका सोना नदी के अंदर फॉरेस्ट हाउस है तो ये डिटेलिंग्स आप लोग देख लीजिएगा अलग अलग डेट्स पर और ये उनके चार्जेस हैं ये दो लोगों के लिए हैं अगर आप लोग सिंगल बंदा जाता है तो आप लोग अगर सिंगल बंदा है तो सिंगल बंदे में आपको इतने चार्जेस पे करने पड़ेंगे डबल में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा तो फोर सेवन नाइन जीरो सिंगल बंदा अगर जाता है तो रूम की कैपेसिटी आपके दो पर्सनस के लिए है डबल बेड लगा हुआ है लेकिन अगर आप लोग सिंगल जाते हो तो थोड़े से चार्ज आपको कम पे करने पड़ेंगे परमिट के तो आपका हो जाएगा फोर नाइन फोर सेवन नाइन ज़ीरो और अगर आप लोग दो बंदे जाते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा अब आपका ये रेट बढ़ के हो गया फाइव टू नाइन ज़ीरो ठीक है इतना डिफरेंस आपका आ गया अब हम इसमें चेक करते हैं दोस्तों देखिए ऑलमोस्ट ये सारे ही ना मेन मेन सारे आपके जोन्स बुकड हो गए हैं ये देखिए ये आपका 20 तारीख में ट्वेंटी ऑफ नवंबर में कुछ आपके परमिट्स देखिए खाली जैसे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आपका फोर बेड का ऑप्शन दिखा रहा है सिंगल बेड का ऑप्शन दिखा रहा है ढिकाला में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का ऑप्शन आपको दिखा रहा है ये डॉमेट्री है तो देखिए ये आपके चार्जेस है अगर आप लोग डोरमेट्री का आप लेते हो तो एक सिंगल बंदा आपको पे करना पड़ता है वन डोमेट्री के चार्जेस पड़ते हैं ये अब जैसे अगर आप लोग बिजरानी फॉरेस्ट एस्ट हाउस में जाते हो और आपका सिंगल बेड है तो सिंगल बेड अगर आप ऑक्यूपाई करते हो तो इसके चार्जेस होंगे आपके थ्री सिक्स सेवन जीरो अगर आप लोग डॉमेट्री में किसी में की डोमेट्री में रुकते हो तो उसके चार्जेस होते वन नाइन नाइन जीरो और अगर आप लोग एक सिंगल रूम लेते हो जिसके अंदर सिंगल बेड लगा हुआ है वो तो डोरमेट्री नहीं है तो आपको इतना पे करना पड़ता है थ्री सिक्स सेवन जीरो ठीक है तो ये देखिए गैरल के अंदर भी ये ढिकाला जोन का है ढिकाला जोन के अंदर के कोई भी आप ऑप्शंस लेते हैं तो सारे अच्छे हैं तो ये ढिकाला जोन के अंदर एक गैरल भी आता है उसके अंदर भी डोरमेट्री है डोरमेट्री के चार्ज आपको सेम पे करने पड़ते हैं ज़्यादा डिटेलिंग का आपको ब्रेकअप चाहिए तो आप यहाँ आई पे क्लिक कीजिएगा तो ये सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा व्हीकल कॉस्ट कैंपिंग कॉस्ट ये सब सारी चीज़ें मिला के उन्नीस आपको चार्ज पे करना पड़ेगा तो ये आपकी केवल नाइट स्टे की परमिट कॉस्ट है ठीक है आप नीचे और स्क्रॉल डाउन करके आप लोग देख सकते हैं तो ये अलग अलग जोन्स के अलग अलग है तो आप लोग बस ये ध्यान रखिएगा कि किसके अंदर कैंटीन फैसिलिटी है तो वो यहीं पे शो कर रहा है जैसे यहाँ पे अगर आप लोग ढिकाला में गैरल में रुकते हैं डोरमेट्री में तो कैंटीन ऑप्शन दिखा रहा है तो आपको खाना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जोन का नाम यहाँ लिखा हुआ है ढिकाला गेट का नाम है धनगड़ी नियर बाई सिटी दिया है रामनगर रूम टाइप क्या है डोरमेट्री चेक इन चेकआउट डेट दिया हुआ है और आपको ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे ऐसे ही तो अब आप लोगों को समझ में आ गया हो कि अलग अलग डेट्स पे आपके ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे दिखा रहा जैसे है जैसे बारह हैं जैसे ढिकाला जोन के अंदर में जो हट बना हुआ है जिसको हम डोरमेट्री बोलते हैं तो उसके अंदर आपके बारह बेड लगे हुए हैं जिसमें से अब केवल पाँच बचे हैं बाकी सारे बुक हो गए हैं और ये भी ट्वेंटी तो नवंबर का है दोबारा से फ्रेश बुकिंग जो होगी वो अगले संडे को दस बजे ओपन होगी तो आप लोग अगर इस बार बुकिंग नहीं हो पाई है तो इसके आगे की आप लोग परमिट्स बुक करानी है तो नेक्स्ट संडे को आपको फिर से फ्रेश बुकिंग स्टार्ट होगी सुबह दस बजे ठीक है तो ये हो गए आपके चार्जेस जो आपकी जो आपको इंस्टेंट पे करने होंगे ऑनलाइन जैसे मान लो मुझे डिकाला फॉरेस्ट रिसोर्स में रुकना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया अब देखिए यहाँ पे मेरा परमिट मांग रहा है तो मैंने जैसे यहाँ पे नाम डाल दिया आईडी डाल दी आईडी डिटेल्स मैंने डाल दी यहाँ पे एज डाल दी ठीक है नीचे देखिए दिखा रहा है कि के वगैरह जो है वो कोटद्वार से नज़दीक पड़ता है सी जो है वो आपका कॉर्बिट से रामनगर से नज़दीक पड़ता है ये ध्यान रखिएगा गाइड चार्जेस एक दिन के होते हैं नौ सौ रुपये तो जब आप नाइट स्टे बुक कराते हो तो वो दो दिन के लिए होते हैं एक दिन आपको लेके जाती है अगले दिन आपको लेके आती है तो नौ सौ नौ सौ प्लस हो गया तो आपका अट्ठारह सौ रुपये आपको पे करना पड़ेगा जो भी जब आपको गाइड मिलेगा तो गाइड को आपको ये कैश पे करना होगा और अगर आप लोग जो आपकी जिप्सी चार्जेस होंगे वो छः होगा आपको जिप्सी ड्राइवर को ये कॉस्ट पे करनी है छः हज़ार रुपये जिपसी ड्राइवर को आपको अलग से देनी है गाइड को आपको दो दिन के चार्जेस देने पड़ेंगे अट्ठारह सौ रुपये प्लस आपकी जो बुकिंग अमाउंट आपने जो परमिट बुक कराई है वो आपके एक्स्ट्रा थे ठीक है तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में प्रॉपर पढ़ लीजिएगा फिर आप लोग यहाँ पर डिटेल बता देगा फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा सेंड ओ कीजिएगा उसके बाद ये एक आपको एक ओ देंगे वो तो दोस्तों जिस भी आप जोन के अंदर जाओगे तो उसके अंदर आपको ये नीचे बता देगा कि एक्स्ट्रा आपको चार्जेस कितने पे करने हैं प्लस फूड आप लोग जो भी खाओगे जो भी आप लोग कैंटीन में खाओगे वो सब आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पीछे जो भी आपकी कॉस्ट दी हुई है वो केवल और केवल आपकी नाइट की परमिट कॉस्ट है वो जैसे आप मान लीजिए जैसे मान लो मैंने डोरमेट्री का बुक किया मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ कि कितना चार्ज मुझे पे करना पड़ेगा तो जैसे मान लो मैंने लॉगट डिकाला का बुक कराया तो उसका कितना चार्ज दिखा रहा है वन नाइन नाइन जीरो यह आपकी नाइट की डोरमेट्री का चार्ज हो गया प्लस आपका व्हीकल कॉस्ट कितना हो गया छः हज़ार रुपये प्लस आपका दो दिन का गाइड का क्या कॉस्ट हो गया अट्ठारह सौ रुपये तो ये कॉस्ट आएगी अगर आपको सिंगल बंदा जाएगा सिंगल बंदा जाके वहाँ पे डोरमेट्री में रुकेगा तो उसको इतना चार्ज पे करना पड़ेगा नाइन सेवन नाइन ज़ीरो ठीक है तो बहुत कॉस्टली ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बहुत एक्सपेंसिव है चीज़ें अगर आप लोग और डिटेल्स चाहिए कि, कि किस जोन के अंदर क्या चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा तो ये तो आपकी परमिट कॉस्ट है जो आपको ऑनलाइन इंस्टेंट पे करनी है ठीक है ये केवल नाइट्स भी स्टे अब आप लोगों को पूरी चीज़ की जानकारी चाहिए कि वहाँ पे आपकी व्हीकल कॉस्ट और गाइड कॉस्ट क्या लगेगा तो आप लोग मेन पेज पर आके स्क्रॉल डाउन कीजिएगा नहीं मेन पेज पे आके आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पर आइएगा एक्स्ट्रा पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आकर आपका प्राइसिंग प्राइसिंग पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि डे सफारी के क्या चार्जेस है कैंटर के और नाइट स्टे तो नाइट स्टे का मैंने यहाँ पे क्लिक किया नाइट स्टे पे आप डायरेक्ट आ गए तो दिखा रहा है कि ये दो बंदों के हिसाब से ये चार्जेस दिए गए हैं तो जैसे मान लो झिरना के अंदर गए तो झरना के अंदर का नाम क्या है ढेला ठीक है और ढेला के अंदर अगर आप लोग रुकते हो तो उसमें डेट दिया हुआ है कि 15 नवंबर से 14 जून तक में जो आपका चार्ज होगा जैसे इंडियन रूम अगर आप ऑक्यूपाई करते हो तो उसके जो चार्जेज होंगे वो पैंतीस सौ रुपये से पाँच हज़ार पचास रुपये तक के बीच में होगा मतलब जो रेंजेज़ हैं प्राइस के वो पैंतीस सौ से पाँच हज़ार हज़ार के आसपास जाएगा अगर कोई बाहर का बंदा है फॉरनर है तो उसको इतने चार्जेस पे करने पड़ेंगे व्हीकल के ड्राइवर कॉस्ट प्लस व्हीकल प्लस ड्राइवर कॉस्ट तो आपको पाँच हज़ार पे करना पड़ेगा ये आप देख लीजिए किस जोन के अंदर पे करना है और गाइड का कॉस्ट दिया 900 है नौ सौ रुपये तो आपको टोटल ये एक दिन का है तो जाने आने का दो दिन का आपको मिलेगा तो आपको अट्ठारह सौ पे करना है ऐसे ही आप नीचे आओ जो ढेला पे तो ये सारे ये ढेला और झरना लगभग एक ही जगह पड़ते हैं तो इसीलिए इनके चार्जेस सेम है ऐसे ही आप बिजरानी जोन के अंदर जाते हो तो बिजरानी जोन थोड़ा सा सबसे नज़दीक है इसलिए आपको तीन सौ रुपये का इसका बेनिफिट मिलता है तो पाँच हज़ार की जगह आपको फोर्टी सेवन हंड्रेड पे करना पड़ेगा व्हीकल और ड्राइवर कॉस्ट गाइड कॉस सबके कॉमन रहेंगे स्क्रॉल डाउन करके इंडिविजुअल जोन्स के अंदर आप लोग ये चार्जेस देख सकते हैं ये रूम के चार्जेस दे रखे हैं जो आपको वहाँ से बुकिंग करके पता लगेगा तो बुकिंग के चार्जेस आप मान के चलो इतना है उसके अलावा व्हीकल कॉस्ट ये है और आपके गाइड कॉस्ट इतना है तो आप लमसम लम अमाउंट लगा सकते हैं कि मान लो अगर आप लोग दो बंदे गए और आप लोग मान लीजिए कि सरबदुली में रुकते हैं मान लीजिए सरबदुली में रुकते हैं ये भी आपका ढिकारा जोन का एक पार्ट है तो सरबदुली के अंदर आपको मान लो इतना चार्ज आपको पे करना है थर्टी फाइव हंड्रेड से लेके पाँच हज़ार पचास रुपये तो मैं मोटा मोटा डाल देता हूँ कि पाँच हज़ार पचास रुपये का रूम हो गया प्लस पैंसठ सौ रुपये का जिप्सी और व्हीकल कॉस्ट हो गया प्लस आपका अट्ठारह सौ रुपये आपकी गाइड कॉस्ट हो गया तो लगभग तेरह हज़ार साढ़े तेरह हज़ार के आसपास आपको एक दिन का पे करना पड़ेगा जिसमें दो सफारी आपको मिलेगी एक नाइट स्टे करने को मिलेगा इसके अंदर दो बंदे जा सकते हैं और बारह साल से छोटा बच्चा जा सकता है दो बच्चे छोटे भी जा सकते हैं आपके कि केवल आपको ये चार्जेस हो गया इसके अलावा आप जो वहाँ से कुछ परचेज़ करते हो या वहाँ पे कुछ खाना वगैरह खाते हो वो सब चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो ध्यान रखिएगा कि बहुत कॉस्टली है इसलिए केवल परमिट कॉस्ट ही बुक करा के आप लोगों को उसके अलावा भी क्या क्या पे करने हैं तो जिप्सी कॉस्ट उसके अलावा जो आपकी व्हीकल कॉस्ट है ड्राइवर कॉस्ट और गाइड कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो नीचे जाके आप यहाँ पर डिटेलिंग्स देख सकते हैं इनका वेरिएशंस दिखा रखा है कहाँ से कितने से कितने तक की इनकी चार्जेज़ वेरी करेंगे तो पैंतीस सौ से पाँच हज़ार तक का ये 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 सारी चीज़ें ठीक है बाकी नीचे डिटेलिंग आप लोग पढ़ सकते हैं और आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है तो वो सारा यहाँ पे बता रखा है कि आप नॉन वेज नहीं ले सकते एल्कोहल वगैरह आप नहीं ले जा सकते फ्राई फायर क्रैकर्स मतलब पटाखे वगैरह नहीं ले जा सकते रात में कोई भी जब आप एक बार सफारी करके आप लोग नाइट स्टे में आप आ सकते हो तो कोई भी आपको नाइट टाइम के आवर्स में जो फॉरेस्ट एस्ट हाउस है उससे आप लोग बाहर नहीं जा सकते आप लोग एक बार सफारी वो करा के आपको फॉरेस्ट एस्ट हाउस में डाल देगी उसके बाद आप लोग उससे बाहर नहीं निकल सकते ठीक है तो ये सारी सेफ्टी रीजनस है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेलिंग में मैंने आपको बुकिंग के तरीके बता दिए और ऑलमोस्ट उनके क्या चार्जेस लगने वाले हैं वो मैंने आप लोग बता दिया है तो दोस्तों होप कि ये छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को कोबिटि से रिलेटेड ऐसी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा टिल अपना अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों को मेरे थ्रू अगर आप लोग बुकिंग कर पा रहे हैं या मेरे से थोड़ी भी आप लोगों को हेल्प मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों तो चलिए फिर मिलेंगे अच्छी से वीडियो टेल दिन बबाई अपना अपना ध्यान रखिएगा